हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है लैपटॉप वर्सेस डेस्कटॉप फॉर गेमिंग। मे बी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है कि आपको लैपटॉप लेना चाहिए या फिर डेस्कटॉप फॉर गेमिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। डेस्कटॉप आपको क्यों लेना चाहिए? पहला पॉइंट, डेस्कटॉप को आप अपग्रेड कर सकते हैं। मान लीजिए 4 साल पहले आपने कंपोनेंट कुछ और यूज़ किए थे, अब 4 साल बाद नए नए गेम आने लगे हैं, नए नए सॉफ्टवेयर आने लगे हैं एडिटिंग के लिए भी, तो आप नए नए कंपोनेंट्स लगा सकते हैं। जिस हिसाब से आपके पास पैसे आते जाएंगे, आप कंपोनेंट नए नए लगाते जाएंगे और आपका पीसी जो है अपग्रेड करता जाएगा। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है एक पीसी यूज़र्स के लिए। सेकंड पॉइंट, 25,000 का लैपटॉप वर्सेस 25,000 का गेमिंग पीसी। 25,000 में जो आपका पीसी बन के तैयार हो जाएगा, प्लस वो जितनी अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस देगा उतनी अच्छी परफॉर्मेंस 25,000 वाला लैपटॉप नहीं दे सकता। थर्ड पॉइंट, इसमें हीटिंग इशू नहीं होता, क्योंकि इसका जो कैबिनेट होता है, सीपीयू वाला जो कैबिनेट होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस होती है और उसमें 3-4 पंखे होते ही हैं कैबिनेट में, और आप अपने हिसाब से कैबिनेट चूज़ भी कर सकते हैं। जब आप पीसी बनवा रहे होंगे अपना, आराम से हवा का एक्सचेंज होता रहता है। चौथा पॉइंट, इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करवा सकते हैं, लुक के अकॉर्डिंग भी और अपग्रेड के अकॉर्डिंग भी। अपग्रेड की तो बात कर चुके हैं, लेकिन लुक्स की बात करें तो आप इसमें RGB इंस्टॉल करवा सकते हैं। पॉइंट फिफ्थ जो है, काफ़ी आपको लग सकता है प्रॉब्लम है, लेकिन यकीन मानो ये काफ़ी बड़ी बन जाती है प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम है डस्ट की। लैपटॉप में जब डस्ट प्रॉब्लम होती है तो आपको शायद ही पता चल पाता है। किसी लैपटॉप में जब आप पीछे उठा करके देखते हो तो डस्ट आती है, तो आपको शायद पता चल जाता है कि हाँ, शायद इसमें डस्ट आ रही है काफ़ी सारा, और आपको सफाई की ज़रूरत है। लेकिन पीसी में कैबिनेट आपके सामने है, तो आप जो क्या कर सकते हो, खाली शटर हटाओ और ब्रश से साफ़ कर दो खुद से, इतना ज़्यादा झाड़ होता नहीं है। लेकिन लैपटॉप के साथ होता है कि अब जो है लैपटॉप की फाइबर बॉडीज़ आ रही हैं, हो सकता है आप खोलने बैठो तो चटक जाए या फिर कुछ भी ऊट पटांग हो जाए, तो आपको केयर सेंटर में ले जाना पड़ेगा, उसके लिए बहुत तीन जाम होते हैं। लेकिन पीसी के साथ ऐसा है नहीं। मेरा जो लैपटॉप था उसमें हीटिंग इशू आने लगे थे अपने आप, तो मुझे लग रहा मे भी हो सकता है इसमें वायरस आ गया हो या कोई और दिक्कत है। जब मैं केयर सेंटर पर लेके गया तो उसमें डस्ट प्रॉब्लम निकली थी, और उसमें उन लोगों ने यह कहा था कि अगर थोड़ा टाइम और चलाते रहते इसको, क्योंकि उसका जो टेम्परेचर पहुँच रहा था वो 90 के ऊपर पहुँच रहा था, तो उन लोगों ने यह कहा था कि अगर इसको थोड़ा और चलाते रहे तो हो सकता है इसका मदरबोर्ड फूक जाता, और मुझे पता भी नहीं चलता। और मदरबोर्ड फूकने का मतलब है कि बाकी कंपोनेंट पे भी उतना ही असर पड़ना, जिस वजह से हो सकता है कि पूरा लैपटॉप ख़राब हो जाए और शायद मुझे ज़्यादा ही पैसे देने पड़ते हैं सही करवाने के लिए। लेकिन पीसी में क्या होता है कि पहली बात तो आप डस्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर ही देते हो, क्योंकि आपको पता चलता रहता है कितनी डस्ट आ रही है और आपने कितनी साफ़ कर दी है। अब हमने पीसी की तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर दी है, साथ में आप देखेंगे कि लैपटॉप में क्या क्या तारीफ़ की चीज़ें हैं, आपको लैपटॉप क्यों कंसीडर करना चाहिए, किन लोगों को कंसीडर करना चाहिए, मेन पॉइंट है ये, और पीसी की खामियां भी देखेंगे साथ में। पहला पॉइंट, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर ऑफिस में काम करते हो तो पीसी आपके काम का नहीं है, क्योंकि आपको सीधी बात है, आपको कॉलेज भी जाना होगा, आपको ऑफिस भी जाना होगा, आप पीसी को उठा करके लेके नहीं जा सकते, पीसी रखा है एक जगह पर रखा है बस, तो लैपटॉप को कंसीडर करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, पीसी में माना कम खर्चा लगता है लेकिन वो परफॉर्मेंस अपनी बेस्ट से बेस्ट देता है। पीसी को आप अपने हिसाब से इंस्टॉल करवाओगे, कंपोनेंट खरीदना, उसमें थोड़ा सा दिमाग खपाना पड़ता है, उसमें थोड़ा सा अपना टाइम देना पड़ता है, उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है उन चीज़ों पे। अगर आप नहीं चाहते हो ये सब झंझट पालना, आप चाहते हो बस खाली पैसा दूं और चीज़ मुझे मिल जाए, कुल मिला के अगर आप ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहते उस चीज़ को, तो आप लैपटॉप की तरफ जा सकते हो ऑफकोर्स। थर्ड पॉइंट, लैपटॉप में बैटरी होने का फ़ायदा होता है। अगर आपके पास पीसी है और आप किसी गेम के मिशन में हिलके हुए हो और तभी लाइट चली जाए तो क्या होगा, आप कुछ नहीं कर सकते। वही अगर लैपटॉप है उसके पास बैटरी है और बैटरी आपको मिशन कंप्लीट करवा सकती है, तो बैटरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लैपटॉप में बैटरी का फ़ायदा होता है, पीसी में नहीं होता है। पॉइंट फोर, मैनेजमेंट। तो जब आप पीसी इंस्टॉल करवाते हो, जब रखा होता है, पहली बात तो वो काफ़ी ज़्यादा जगह लेता है, ठीक है। एक अच्छा खासा उसे टेबल चाहिए रखने की, और उस टेबल के आसपास जो है सीलन ना पकड़े दीवार, और भी कई सारी चीज़ें मैटर करती हैं, जैसे चूहे ना हो ताकि वो तार ना काट दें, तारों का मैनेजमेंट, कहीं तार उलझे ना रहे जैसे ट्रांसफार्मर के पास में उलझे रहते हैं, तो उन सब चीज़ों का मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। वही वाली बात, अगर आप तीन जाम नहीं चाहते तो आपके लिए लैपटॉप बहुत बढ़िया ऑप्शन है। पॉइंट नंबर फोर, अब हम लैपटॉप की बात कर ही रहे हैं, तो आप लैपटॉप में भी अपग्रेड कर सकते हो, लेकिन लिमिटेड अपग्रेड होता है उसमें। आप उसमें स्टोरेज अपग्रेड करवा सकते हो और रैम अपग्रेड करवा सकते हो बस। एक पॉइंट और, ये लैपटॉप के अगेंस्ट ही होने वाला है, पोर्टेबिलिटी का ऑप्शन है, तो वो पोर्टेबिलिटी का ऑप्शन कम वेट वाले लैपटॉप्स के लिए ही है, जैसे कि 1 किलो 2 किलो वाले जो लैपटॉप हैं बस, क्योंकि आप उन्हें कैरी कर सकते हो। वहीं अगर आप सोचो गेमिंग लैपटॉप जो बहुत ज़्यादा भारी होते हैं, 3 किलो 4 किलो वाले, और साथ में उनकी होती फाइबर बॉडी,
आप उनको कैरी नहीं कर सकते, वो एक तरीके से पीसी का ही काम करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बस आप अपने डेस्क से उठा करके आप अपने बेड पे रख सकते हो। बस आप सोचो कि आप उसे बैग में डाल करके ट्रैवल कर सकते हो कॉलेज से घर या फिर ऑफिस से घर, तो ये चीज़ आप भूल जाइए। क्योंकि ऐसा हो सकता है ट्रैवल में बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की होती है, उसमें हो सकता है उसको बॉडी चटक जाए, क्योंकि ऑफकोर्स वो फाइबर की ही है, कमज़ोर बॉडी है और उस लैपटॉप का वज़न ज़्यादा है। एक तरीके से जितना ज़्यादा वज़न होता है लैपटॉप में उतनी वो पोर्टेबिलिटी अपनी लॉस कर देता है। अब आ जाते हैं अपने कंक्लूजन पे कि किन लोगों को लेना चाहिए पीसी और किन लोगों को लेना चाहिए लैपटॉप। देखिए, अगर आप एक हार्डकोर गेमर हैं और आपको खाली गेमिंग ही करनी है, प्लस आप कहीं बाहर नहीं जाना चाहते, ना आपको पोर्टेबिलिटी से मतलब है, बस आपको चाहिए अच्छी परफॉर्मेंस कम पैसों के साथ, तो पीसी आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। वहीं अगर आप पोर्टेबिलिटी चाहते हो, लाइक अगर आप चाहते हो कि मैं गेमिंग तो करूं लेकिन साथ में मैं अपना ऑफिस का भी काम कर लूं, साथ में मैं अपना कॉलेज का भी काम कर लूं या स्कूल का भी काम कर लूं, तो वहाँ पे भी मुझे लेके जाना पड़ेगा, मतलब आपको पोर्टेबिलिटी की ज़रूरत है पर साथ में आपको गेमिंग भी करनी है, तो आप लैपटॉप कंसिडर कर सकते हो। लेकिन आप वजन का ध्यान रखना, वेट ज़्यादा ना हो बस। सो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए काफ़ी काम की रही होगी। मे भी शायद आपने अभी तक डिसाइड कर लिया होगा कि आपके लिए क्या चीज़ सही रहेगी। तब भी आपको कोई अगर क्वेश्चन पूछना हो या फिर आपको कोई दिक्कत आ रही हो किसी चीज़ से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। और अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो किसी एक टॉपिक पे आए, तो आप वो टॉपिक भी मुझे बता सकते हो, नेक्स्ट वीडियो पर आ जाइए।